बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एलियाने कराची के लिए एलियाने सिंध के लिए बहुत बड़ी खबर है। स्नाइप मशीन जो इस वक्त उसका लेटेस्ट तरीन मॉडल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं था, आज वो उसका आगाज़ होने जा रहा है तकरीबन 102 दिन में। ये वो मशीन है अरबों रुपए की जिसके ऊपर खून के टेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी की मशीन है, पीछे अमेरिकन लगी हुई है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्नाइप, जो हांगकांग की मशीन है, दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन है। देखें ये तो जर्मन मशीन है, इसमें रोबोट इंसानी खून के टेस्ट कर रहे हैं और ये सारा काम तो चल ही रहा है। ये देखें एक और रोबोटिक प्लांट मैं आपको दिखाने आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से सलीम भाई, क्या पोजीशन है बताएं, कब कितने दिन में है? मैं आज कल में शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसको हम कल से स्टार्ट करते हैं, कल से कर देंगे इंशाल्लाह। कैसे ये रिपोर्ट काम करता है थोड़ा सा दिखाएंगे? जी बिल्कुल, फुली ऑटोमेटिक है, इसमें इंसानी हाथ का अमल दखल नहीं है। बस वहाँ से खून का सैंपल डालना, बाकी रिपोर्ट खुद करेगा। अब आपको समझ में आएगा ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था ना एक साहब की जानिब से कि एक लैब के 2.5 अरब मांग लिए, झूठ था। हमने तो 18 लैबों के मांगे थे, हर शहर में हमने कहा था हम फ्री खून के टेस्ट खोल देंगे। ये देखें खुद ब खुद रिपोर्ट इसको पानी को वॉश कर रहा है, किस तरह से सारा काम हो रहा है देख रहे हैं आप। ये देखें ये वो काम है जिसकी वजह से माफियाज परेशान है कि JDC अरबों रुपये की मशीनें ये लगा दी हैं और ये लेटेस्ट तरीन मशीन ये भी यहाँ पहुँच चुकी है। इसके अंदर रिपोर्ट इंसानी खून के टेस्ट करेंगे। एक बार फिर गुजारिश करूँगा दुनिया के किसी भी कोने में आए, JDC के साथ ताउन करें, हम पूरे पाकिस्तान में फ्री खून की टेस्ट की लैब बना देंगे, फ्री डायलिसिस सेंटर। और हमारा जो औरतों का कैंसर का सेंटर बन रहा है उसके लिए हमें भी 5 लाख डॉलर की जरूरत है। आप एक रुपया भी दे सकते हैं, एक डॉलर दे सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, हम माफियाज से लड़ रहे हैं।